नमस्कार इंदौर, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आपका भाई न्यूज के 20 मई शुक्रवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। आजाद नगर थाना क्षेत्र में देर रात दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बच्चे से मोपेड गिरने की मामूली बात पर तलवारें चल गई, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। घटना मूसा खेड़ी के मयूर नगर की है। यहाँ रहने वाले श्यामू यादव की पत्नी की स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। पास ही में रहने वाले विकास यादव के 11 साल के बेटे से वह गलती से गिर गई। इस बात पर श्यामू ने घर के बाहर आकर विकास के बेटे को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। इस बात को लेकर विकास और उसके परिजनों ने आपत्ति ली तो श्यामू घर से तलवार ले आया और विकास के सिर पर दे मारी। इससे विकास घायल हो गया, उसके सिर में 12 टांके आए हैं। इसके बाद विकास के परिवार के लोगों ने भी श्यामू और उसके परिवार को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसमें श्यामू घायल हो गया। मामले में विकास के भाई सुरेश यादव की शिकायत पर श्यामू यादव, उसकी पत्नी कविता, बेटा अंकुश यादव और पिंटू यादव पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं श्यामू यादव की शिकायत पर पुलिस ने विकास, सुरेश यादव और सपना पर मारपीट करने और अपशब्द कहने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ये मयूर नगर गली नंबर 18 में दो परिवार पास में रहता है, यादव परिवार है, जिसमें एक तरफ विकास यादव और सामने है श्यामू यादव। तो श्यामू यादव की स्कूटी विकास के परिवार के बच्चा छोटा 7-8 साल का उससे गिर गई दिन में। उसको लेकर इनकी कहा सुनी हुई, महिलाओं में बातचीत हुई और विवाद पर इतना बढ़ा, श्यामू तलवार लेके आ गया और विकास ने मना किया, गाली मत दो, तो ले सारा तेरा बहुत भाव पड़ा है, आज इसको जान से निपटा देते हैं, और तलवार मारी, विकास के सर में लगी, करीब 12 टांके, एक डंडा मारा। और श्यामू का लड़का अंकुश और इसका साला पिंटू और इसके घर से एक महिला है कविता, इन लोगों ने और एक अन्य व्यक्ति का नाम अभी बताएंगे पहचान करके वो, तो इन 4-5 लोगों ने विकास को, उसके भाई सुरेश को, उसके एक महिला सपना को, लड़के आयुष को, ऐसे 5-6 लोगों के साथ मारपीट की। चूंकि चोट इसकी गंभीर थी, सिर की चोट, जिस पे मामला ये श्यामू और 4 लोगों पर 307 का पंजीबद्ध किया गया है। श्यामू को भी सिर में चोट थी, डंडे की चोट थी। बताया कि विकास, सुरेश और इस सपना ने मारा है तो उनके विरुद्ध भी धारा 323, 294, 506 क्रास कायमी की गई है। अभी आरोपी एक को तो सिर में चोट है श्यामू को, बाकी अन्य लोग फरार है, तलाश जारी। जीआरपी पुलिस ने 4 ऐसे बदमाशों को हिरासत में लिया है जो चलती ट्रेन में महिलाओं का पर्स खींच कर भाग जाते थे। पुणे के यह बदमाश पुलिस से बचने के लिए 4-व्हीलर हायर कर उज्जैन आते थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। एसपी जीआरपी निवेदिता गुप्ता ने बताया कि पुणे के रहने वाले किरण वाणी, विक्की पिता राजू शेल के, किशोर परमार, धीरज वाणी को पकड़ा गया। आरोपी पुणे से 4-व्हीलर हायर कर उज्जैन आते थे और वारदात कर फिर से पुणे चले जाते थे। लोकल कनेक्शन नहीं होने से यह पकड़ में नहीं आते थे। आरोपियों ने अब तक 2 वारदातें करना कबूल कर ली है। पहली वारदात इन्होंने जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस में 2 मई 2022 को की थी। B2 कोच की बर्थ नंबर 41 और 42 पर नागपुर के लिए यात्रा कर रहे दीपक मेहता की पत्नी जानवी मेहता का पर्स आरोपियों ने उड़ा दिया था। इसमें डायमंड लगा सोने का कड़ा, कान के टॉप्स और नगद 35,000 रुपए थे। दूसरी वारदात आरोपियों ने 6 मार्च 2020 को कोचीवली एक्सप्रेस के S3 कोच में बर्थ नंबर 73 से 76 पर यात्रा कर रहे जोसेफ एंथनी के परिवार के साथ की थी। यह परिवार आलपपुआ से इंदौर आ रहा था। मिसेज एंथोनी का पर्स इस दौरान उड़ा दिया गया था। इसमें सोने की चेन, अंगूठी, चूड़ी, 3 कान की बाली, 1 मोबाइल और नगद 1,000 रुपए थे। इस वारदात को किरण वाणी और विक्की शेलके ने अंजाम दिया था। गुप्ता ने बताया कि आरोपियों का एक साथी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुणे से आना, गाड़ी हायर करना, लोकल सपोर्ट में अभी हम इनका ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है इनका लोकल सपोर्ट। गाड़ी से आए, स्टेशन पे गाड़ी लगाई, चोरी किए, वापस गाड़ी में बैठे, पुणे निकल। हाँ नहीं, गाड़ी है, कार भी है और एक शायद बुलेरो स्कॉर्पियो टाइप की भी है, मतलब हर बार एक ही गाड़ी नहीं इस्तेमाल की है। चोरी कैसे करते थे? कुछ होता व्यक्ति को या महिलाओं को छीन के लाते थे? महिलाओं का लेडीज पर्स टारगेट करते थे। लूट तो नहीं कहेंगे क्योंकि महिला सो रही हैं और खींच लिया सिरहाने से, मतलब जब खींच, मतलब वो जो सेक्शन है लूट का वो कैटेगराइज नहीं हो रहा, अदरवाइज चोरी ही है, थेफ्ट ही है। क्या नाम है इनके? एक तो है विवेक, एक किरण वानी है, उम्र 47 साल, पुणे का ही निवासी है। विक्की पिता राजू शॉल के, 32 साल, ये भी पुणे का ही निवासी है।
युवती के अश्लील फोटो निकालकर उसके जोर पर ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील फोटो मोबाइल पर खींच लिए। अब वह अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा दुष्कर्म करने का दबाव बना रहा है। युवती ने महिला डेस्क से शिकायत की थी और इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी रवि वासकले पिता जाम सिंह वासकले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक थाना भवरकुआ पर फरियादिया की शिकायत पे रवि वासकेल पिता जाम सिंह वासकेल निवासी अभिनव नगर पालदा इंदौर के विरुद्ध 376 तथा अन्य धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था, जो कि आज दिनांक को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 7,000 फर्जी आधार कार्ड बनाने एवं आधार मशीन का सेटअप कर लगभग 6 लॉगिन आईडी प्रोवाइड करने वाले शिवपुरी के मास्टरमाइंड को राज्य साइबर सेल इंदौर ने दबोच लिया है। उसे पूछताछ की जा रही है। मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला आरोपी पवन कोटिया पिता मनीराम कोटिया इंदौर के बीना नगर में छिपकर रह रहा था। एमकॉम तक पढ़ा पवन 2011 से आधार में बतौर ऑपरेटर काम कर रहा था। 2016 में वह इंदौर आ गया और आधार कार्ड बनाने वालों को टैक्स सपोर्ट देने लगा। अपने मित्र रोहित शर्मा के साथ मिलकर उसने मध्य प्रदेश एवं आसाम के कई जिलों में कमीशन बेसिस पर टैक्स सपोर्ट देने का काम शुरू किया। आधार कार्ड के कियोस्क की आईडी बनवाने, एग्जाम दिलवाने एवं आधार कार्ड बनाने में लगने वाली तकनीकी सामग्री को कमीशन पर किराए पर देने का काम पवन करने लगा। पवन के आधार सेटअप व टैक्स सपोर्ट के माध्यम से हैदराबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। इस मामले में हैदराबाद के थाना बंजारा हिल्स और थाना गोलकोंडा में अपराध दर्ज किए गए। पवन द्वारा दी गई 6 लॉगिन आईडी से करीब 7,000 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पवन अपने मित्र नितेश ठाकुर के पकड़े जाने के बाद आसाम से भागकर इंदौर में आकर छिप गया था। वह बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था। आखिर राज्य साइबर सेल इंदौर के इनपुट पर पवन को दबोच लिया गया। देखिए, हमें हैदराबाद पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऐसा गिरोह है जो कि असम के आईडी से हैदराबाद में लोगों के आधार कार्ड बना रहा है और उसमें बड़ी संख्या में, जैसा कि संख्या हैदराबाद पुलिस द्वारा बताई गई, लगभग 7,000 जो हैं वो फर्जी आधार कार्ड हैदराबाद में बनाए गए, जिसमें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए गए, उसकी सील वगैरह भी बनाई गई थी CMHO आदि की। तो वो गिरोह जो है उसके 8 सदस्यों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से एक नवा सदस्य था जिसका कि नाम हैदराबाद पुलिस ने पवन कोटिया बताया था और उसके इंदौर में होने की संभावना उन्होंने जताई थी। और इसी में राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई ने उस पवन कोटिया को ट्रेस करने में सफलता पाई है और हैदराबाद पुलिस को सूचना दी गई थी। हैदराबाद पुलिस का दल इंदौर आया और माननीय न्यायालय से उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हैदराबाद रवाना हो गया है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के साधु वासवानी गार्डन के पास से गुजर रही एक महिला का पर्स 2 बाइक सवार युवक ले उड़े। पर्स में मंगलसूत्र, कार्ड्स आदि थे। थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि महिला पैदल ही घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए 2 युवकों ने पर्स उड़ा दिया। महिला ने पर्स में मंगलसूत्र और कार्ड्स रखे थे। महिला की शिकायत पर अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच जारी है। क्षेत्र के CCTV फुटेज निकाले है और इस आधार पर जांच की जा रही है। कल दोपहर में लगभग 4 बजे के आसपास की बात है, साधु वासवानी गार्डन से एक महिला अपने साथियों के साथ पैदल जा रही थी तो 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनके हाथ से उनका पर्स बैग छीन लिया था, जिसमें उनके कुछ जेवर व नगद राशि थी। इसकी फुटेज प्राप्त हुई है, वो चेक किए जा रहे हैं, टीम लगा दी गई है, कार्रवाई की जा रही है। और उनका एक मंगलसूत्र है, लगभग 25,000 रुपये नगद बताया उन्होंने, और कुछ उनके कार्ड्स वगैरह भी थे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड वगैरह थे। GPO स्थित पेट्रोल पंप पर 2 मई को टैंकर खाली करने के दौरान लगी आग की घटना की जांच रिपोर्ट ADM पवन जैन ने कलेक्टर मनीष सिंह को सौंप दी।
जांच में पेट्रोल पंप संचालक स्टाफ और पेट्रोलियम कंपनी एचपीसीएल की लापरवाही सामने आई है। मामले में कलेक्टर ने शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पंप की एनओसी निरस्त की जाएगी। दरअसल पंप कर्मचारियों ने पेट्रोल खाली करते समय न केवल लापरवाही की बल्कि टैंकर के ड्राइवर और सहायक ने भी इसे नहीं देखा। उन्हें टैंकर खाली करवाने का प्रशिक्षण भी नहीं मिला था। पंप संचालक ने सोशल मीडिया पर आग को मॉकड्रिल बताया था। हालांकि पंप संचालक ने दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है, वहीं कंपनी ने भी ड्राइवर और सहायक को हटा दिया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने मामले में नोटिस जारी किया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें जांच रिपोर्ट आई है, उसमें गंभीर लापरवाही मिली है पंप संचालक के स्टाफ की भी, और जो टैंकर आता है उसमें सपोज रहता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसको ट्रेन करके रखे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी के एम्प्लॉयज़ की भी उसमें त्रुटि पाई गई है। शोकास नोटिस इसको इशू किया गया है पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल्स के प्रावधानों के तहत कि क्यों ना इनकी जो NOC दी जाती है जिला प्रशासन द्वारा, इसको विड्रॉ किया जाए। आजाद नगर पुलिस ने ऑटो रिक्शा से अवैध शराब लेकर जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 पेटी देशी शराब भी जब्त की गई है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऑटो क्रमांक MP09TM1597 से अवैध शराब लेकर आ रहा है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दीपक पिता मान सिंह राजपूत निवासी भागीरथपुरा को पकड़ा। उसके कब्जे से 2 बोरी में करीब 8 पेटी देशी शराब जब्त की है। आरोपी आदतन अपराधी है और शहर के कई थानों में इस पर प्रकरण दर्ज है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर वह कब से यह काम कर रहा है, शराब कहां से ला रहा था और कहां सप्लाई करता था, इसकी जानकारी जुटाएगी। कल जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ऑटो क्रमांक MP09TM1597 में अवैध शराब लेके आ रहा है, जो SI गौतम और टीम को लगाया गया, जिसमें एक व्यक्ति दीपक पिता मान सिंह राजपूत, ये बाणगंगा के भागीरथपुरा का रहने वाला है, इससे 2 बोरियों में करीब 8 पेटी देसी मदिरा शराब जब्त हुई है। तो इसने लसूड़िया में भी 34-2 में, बाणगंगा में और राऊ में भी, इसका मतलब है कि आतन अपराधी है, यहाँ पे शराब का काम करता है। और अब खबरें दे दनादन। खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह तक बनने वाले सड़क से पहले नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, IDA के CEO विवेक चौधरी ने निरीक्षण किया। इस रोड के बनने के बाद रोज लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और व्यापारियों को भी काफी फायदा होगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल DPR तैयार कर ली गई है और शीघ्र टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। खड़े गणपति से लेकर सुपर कॉरिडोर जोड़ने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है और खासकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। इस तरफ आप देख ही रहे हैं कितना ट्रैफिक इस पर मोबिलाइज होता है। हम लोगों का खुद भी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, जिसपे लगभग 50-60 गाड़ियाँ रोज 2 ट्रिप लगाती होंगी, यानी 120 वाहन लगभग उसके भी आते होंगे। इम्पॉर्टेंट रोड है, इसके लिए हम लोगों ने जो DPR है वो तैयार कर लिया है, रोड बनाने की तैयारियां पूरी कर ली है। जल्दी हम लोग इसके टेंडर लगा देंगे ताकि आने वाले मार्च तक ये पूरा काम कंप्लीट हो सके और इधर का खड़े गणपति से BIP रोड से हम लोग पूरा ट्रैफिक थ्रू कर सकें टिगरिया बादशाह होते हुए सुपर। यातायात बहुत कंजेस्टेड है और आने जाने की बहुत समस्या आ रही है, रोज ये समस्या खड़ी हो रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी भीड़ होती है तो जाम हो रहा है और शहर के मध्य को अपने सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाली ये प्रमुख मार्ग है। ये तो आज हम सब लोग देखने निकले हैं, ये मास्टर प्लान में 30 मीटर रोड है। ये इस रोड को IDA बनाने का प्लान कर रहा है। निगम कमिश्नर मैडम से हमने आग्रह किया है कि एजेंसी इसमें निगम रहे, IDA इसका पेमेंट करे। तो ऐसे 45 करोड़ का लगभग उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बजट बनाया था कि इतना इसमें खर्च होगा। तो हम इस देखने के लिए आए हैं कि इसमें क्या क्या बाधाएं हैं और इसको बनने से पूरा शहर, स्थानीय जो क्षेत्र के लोग हैं इनको यातायात से निजात मिलेगी और शहर का जो मध्य क्षेत्र है वो सुपर कॉरिडोर से जुड़ेगा। 31 मई को मनाए जाने वाले गौरव दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। संयोजक और उनकी जो टीम बनाई गई है उनकी मीटिंग की शुरुआत भी शुक्रवार से हो गई। 25 से 31 मई तक चलने वाले कार्यक्रम हर दिन अलग थीम पर होंगे। गौरव दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जो संयोजक और टीम बनाई गई है आज से उनकी मीटिंग्स भी शुरू हो रही हैं और ये तैयारियां 25 से शुरू होकर 31 तक चलेंगी। 31 को मुख्य कार्यक्रम होगा,
हर दिन के लिए एक विशेष थीम रखी गई है। उस थीम पर कार्यक्रम होंगे। उस थीम के संयोजक सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों को रखा गया है। उनके साथ में प्रशासन और निगम की टीम भी है। तो आने वाले 6-7 दिन में हम लोग पूरे शहर में गौरव दिवस की फेस्टिविटी देखेंगे। जोधपुर से बिहार के ललित प्रभ सागर जी महाराज और शांति प्रिय सागर जी महाराज 3 दिन के प्रवास पर इंदौर आए। उनके मंगल प्रवेश पर जैन समाज ने नाथ मंदिर रोड प्रिंसेस वेली से जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ रविंद्र नाथ गृह पहुंचा। जगह जगह गुरुदेव की आगवानी की गई। चल समारोह में महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। बैंड पर भजनों की स्वर लहरियां गूंजती रही। रविंद्र नाथ गृह में 3 दिन तक महाराज श्री जीने की कला विषय पर प्रवचन देंगे। महालय की पावन नगरी का यह परम सौभाग्य है कि जोधपुर से प्रवचन प्रभाकर पूज गुरुदेव ललित प्रभ सागर जी महाराज साहब लंबा विहार करके 3 दिन के प्रवास पर इंदौर पधारे हैं। और मनुष्य जन्म को कैसे अच्छे से जिया जा सके, एक एक मार्मिक शब्दों के आधार पर वह मानव की जीवन शैली को बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये 3 दिन का प्रवास हमारे इंदौर वालों के लिए मंगल में हो, हमारे में आई हुई बुराइयों को छोड़कर हम अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ सकें, ऐसी प्रेरणा उनकी रहेगी। मैं माहिल्या की पावन नगरी इंदौर में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चंदननगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाउदा पंथ से पिकअप वाहन में बहरामी से भरकर ले जाया जा रहे 11 कीड़ों को मुक्त करवाया और वाहन जब्त किया। पुलिस को देख आरोपी वाहन छोड़ भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। सभी कीड़ों को गौशाला भेजा गया है। पुलिस ने फरियादी जितेंद्र की रिपोर्ट पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसके अंदर कल जितेंद्र की रिपोर्ट पे थाना चंदननगर पे अपराध क्रमांक 396/2022 पशु क्रूरता अधिनियम 4-6-9-11 का कायम किया गया है। इसमें ये लाए हैं इनको नाउदा पंथ तरफ से। 11 कीड़े थे और पिकअप गाड़ी थी, उसके अंदर भरे हुए थे। नेहरू स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले के अंतिम दिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट पहुंचे और ब्लड प्रेशर की जांच करवाई। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह एवं CMHO डॉक्टर BS सत्या भी मौजूद रहे। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हार्ट एवं अन्य बीमारियों की जाँच करवाई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की जाँच कर उचित परामर्श दिया। जैसा आपने देखा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग CMHO साहब के द्वारा और सिविल सर्जन ने मेहनत करके पूरी अलग अलग निजी अस्पतालों को इन्वॉल्व करके डॉक्टर्स और टेक्निकल टीम्स पूरी बैठाई हैं, लोगों में उत्साह है, हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हम लोगों ने कराया था जिनका उनका फॉलोअप टेस्ट के लिए भी ग्रामीण से भी 2000 लोगों को बुलाया है, प्लस शहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। जो शहरी गरीब या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो आके अपना स्वास्थ्य चेकअप करा रहे हैं। यहाँ पैथोलॉजी लैब भी है, हार्ट से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ चेकअप भी हो रहा है। कल भी हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय भी आए थे, हार्डे जी भी इनॉग्रेशन भी किया था। आज हम सुबह देखे कि हमारे पास हमारे माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी भी आए थे, अभी वो भी विजिट करके गए। अभी हमारे पास कलेक्टर साहब माननीय मनीष सिंह सर भी आ रहे हैं और साथ में हमारे माननीय अध्यक्ष अपने सांसद महोदय श्री ललवानी जी भी आ रहे हैं, वो भी अभी विजिट करेंगे यहाँ पर। और सभी संतुष्ट होकर जा रहे हैं कि नहीं, कम से कम कैंप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि कम से कम सभी लोग यहाँ आशा कार्यकर्ता भी अपना फ्री में चेकअप भी करा रही है और देख भी रहे कि कम से कम हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी एक इंसान है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमको जाँच कराना है तो वो उनकी जाँच करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा शादी के महज 14 दिन बाद ही 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम अंकित चौहान है, जो द्वारकापुरी में किराए के मकान से रहता था। उसकी 3 मई को शादी हुई थी। अंकित के बड़े भाई कमलेश चौहान ने बताया दोनों ने मंदिर में अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अंकित का ससुर और साला उसे 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे और पत्नी को भी यह नहीं भेज रहे थे, इसी से वह डिप्रेशन में था। द्वारकापुरी पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। मेरा भाई अंकित चौहान यहाँ पे किराए से रह रहा था द्वारकापुरी में। उसकी 3 तारीख को शादी हुई थी, मंदिर में शादी करी थी उनने। उसके बाद कल दिनांक 19/5 को उसने फांसी लगा ली। उसके साले और उसके ससुर ने उसको 50,000 रुपये की मांग की थी तो वो नहीं दे पाया, उस कारण उसने आत्महत्या कर ली। अभी तक की जानकारी में तो यही आया है कि इसमें फांसी लगाने से ये हुआ है। पुलिस को ये मिल पाई है, PM के बाद में ही बता पाएंगे। क्या नाम था? इसका अंकित चौहान नाम है। कहाँ रहने वाला, कहाँ का है? ये यहाँ किराए से रहता था, साहू ऑटो गैरेज द्वारकापुरी में। कितनी उम्र थी इसकी? 23 वर्ष उम्र है।
कांग्रेस द्वारा लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेसी अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन का स्वरूप कांग्रेस ने बदल दिया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई का स्टोर बनाकर 1 रुपए किलो में राशन बांटा और स्टोर का नाम शेख चिल्ली स्टोर रखा। कांग्रेसियों ने कहा सरकार जनता को गुमराह कर रही है, जिसके चलते 1 रुपए किलो में राशन वितरण किया जा रहा है। आप ही देख ही रहे हैं, 1 रुपए में 1 किलो आटा है, प्याज है, आलू है, मिर्ची है और नमक दिया। नमक इसलिए दिया कि देश का नमक खाने वाला, नमक हराम नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने देश के साथ उनके वोटों का नमक खाया और उनके साथ नमक हरामी की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।